नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर हुए एक भयावह मामले की। यहां एक बोलेरो गाड़ी में दो जले हुए शव मिले, जिसके बाद से हड़कंप मच गया और हेट क्राइम का गंभीर आरोप लगा। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि इस बोलेरो का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के भरतपुर का है। इन दोनों शवों की पहचान भरतपुर निवासी नासिर और जुनैद के तौर पर की गई। कल ही शिनाख्त के लिए भरतपुर पुलिस के साथ परिजन पहुंचे और आरोप लगाए कि दोनों को जलाकर मारा गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों शवों को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। बाद में राजस्थान पुलिस ने दोनों शव परिवार को सौंप दिए। राजस्थान सरकार में मंत्री ज़ायदा खान ने भरतपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ऐलान किया कि प्रशासन की तरफ से 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार मृतक के बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई कराएगी। बहरहाल, इस मामले में FIR हुई है, जिसमें 5 लोग शामिल किए गए हैं। नाम है अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू। ये लोग फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में गौ रक्षक और गौ तस्करों की चर्चा हो रही है। क्या कानून अपने हाथ में यहाँ पर लिया गया है? क्या ये हेट क्राइम है? और तमाम ऐसे सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मृतक जुनैद के भाई से बात की है। पहले आपको ये बातचीत सुनाते हैं। इस्माइल हैं, ये इस्माइल जुनैद के भाई हैं और इन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई कल यानी गुरुवार सुबह 14 तारीख को। नासिर और जुनैद बुलेरो गाड़ी से निकले और 15 तारीख की सुबह उनका फ़ोन बंद हो गया। परिवार ने ढूंढना शुरू किया। जब आपने ढूंढना शुरू किया, जो आप हमें बता रहे थे, अभी फिर से बताइए, जब आपने ढूंढना शुरू किया, जब फ़ोन बंद आया, तो आपको क्या खबर मिली? जब ढूंढा तो आपको क्या पता चला? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे लिए तो मतलब उस सरपंच ने कॉल किया था। पहले तो हम बहुत ज़्यादा ढूंढा, तो बिल्कुल गुरोला जहाँ भी कोई बता लगे जाता ही है हर आदमी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर डिटेल में हमारे लिए सरपंच भूतपुर घाटा ने फोन किया हमारे पास। उनका नाम क्या है? दीनू सरपंच। दीनू सरपंच, हाँ, भूतपुर। उसने कॉल किया कि भाई वहाँ से थाना से फिरोजपुर वाले से कॉल आ रहा मेरे पास कि दो आदमी लाए हैं और कुछ गुंडा बदमाश हैं। कौन है कौन ना है पता नहीं, लेकिन वो पुलिस के पास लाए हैं, तुम किथे मत ढूंढो, फिरोजपुर आ जाओ। फिरोजपुर झिरका, यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से आपके? झिरका यहाँ से ऐसा 16 किलोमीटर पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है, वो हरियाणा में पड़ता है, नूह जिला में पड़ता है। उन 5-4 गाड़ी हमारी गई तो हम थाना के पास में गए, तो अंदर तो हम ना जाने दिया उन्हें। अंदर नहीं जाने दिया था? नहीं जाने दिया अंदर। तो फिर वो भूतपुर सरपंच भी वहाँ पहुँच गया जो इसने कॉल किया था। उससे हमने कहा भाई आप पूछ के आओ, हमारा यहाँ आदमी लाए बताए, यहाँ संतुष्टि हो जाए हमारे। अगर यहाँ हो तो फिर हम कुछ मतलब वो जैसे हालत में जब देखें और उनकी कुछ देखभाल तो करें हम। तो अंदर वो सरपंच गया, उसने कहा भाई यहाँ से तो ले गए। उन्होंने कहा ले गए यहाँ से? यहाँ से तो ले गए। और हमने तो खंडा दिया, हम क्यों लेंगे ऐसी परेशानी मोल की। वो टूट फूट कर लाया, उनके ज़्यादा सीरियस हालात में हमने नहीं लिया। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए। हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से। आप कितनी और का देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए। जी, वापस जाइए। फिर वापस आए हम अपने थाना में, आके हमने रिपोर्ट प्रयास किया, रिपोर्ट करी। यही चाह रहा था, हम पे तो और क्या चाह रहा था। तो उसके बाद में वो दिन भी निकट गए, रात भी निकट गई, सुबह फिर हम वापस थाना पे गया। कोई भाई जांच मिली हमारे आदमी की, उनके भाई हम जांच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं और डोल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ठीक है। अचानक से फोन आया, जाहुल नाम का है मेरा भतीजा लगता है उसके पास, के मैं हसीन बोल रहा हूँ उनकी, बता यार। वो वहाँ से फोन आया, कोई गाड़ी लुहारू पड़ती है, कहाँ है? भिवाड़ी में। वो लुहारू में आपकी गाड़ी जल चुकी, उसमें दो डेड बॉडी भी है, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है बस। उस टाइम का नाम सुना था, फिर तो आगे क्या कहते, पूरा विश्वास हो चुका था वही है, और कौन हो सकता है। बहुत दुखद परिस्थिति बनी और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने
इस केस में भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव से भी बात की है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए गौरव श्रीवास्तव हैं, जो आईजी हैं भरतपुर के। सर, क्या अपडेट है, पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी तक क्या कुछ अपनी जांच में आप लोगों ने पुख्ता किया है। जो दो व्यक्ति नासिर एंड जुनैद हैं, जो अपने घर से लापता हुए जैसा घर वालों ने रिपोर्ट में दर्ज कराया और वो नहीं लौटे, एंड उनको फिर लोकल गांव वाले एंड जो बाईस्टैंडर्स हैं उनसे उनका कहना है कि हमें उनसे पता चला कि कुछ लोगों ने इनका अपहरण किया है, मारपीट करी है, और उन्हीं के द्वारा 5 हरियाणा के रहने वाले व्यक्तियों के नाम भी उस FIR में आइडेंटिफाई किए गए। घर वालों ने अपने लेवल पर कुछ तहकीकात करी, 15 तारीख की रात को हमारे पास ये सूचना आई तो इमीडिएटली टीमें तलाश वगैरह में निकली। 16 की मॉर्निंग में भिवानी में लोहारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जली हुई हालत में वो बोलेरो मिली जिसके अंदर ये दोनों लड़के बैठे हुए थे। उसमें 2 डेड बॉडीज़ पूरी तरह से जली हुई थी, कंकाल हो चुका था, तो इसलिए कन्फर्मेटरी एविडेंस की ये वही दोनों लड़के हैं, ये तो DNA एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हमारा अभी तक अंदाज़ा यही है कि 15 की अर्ली मॉर्निंग किसी समय इनके साथ कुछ मिसहैप हुआ है, और किनके द्वारा किया गया, घर वालों ने जो शक जाहिर किया है उनको पिकअप करने के लिए हमारी टीमें कल से प्रयासरत हैं। सर, जो घर वाले कह रहे हैं, जो उनकी बातचीत हमने सुनी, वो 5 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें मोनू माने सर, रिंकू वगैरह हैं, और ये सब लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और ये पब्लिक डोमेन में है। क्या वो एक एंगल आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया कि वाकई क्या इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर सिर्फ परिवार वालों का ये आरोप है? परिवार वालों ने जो अपनी FIR बताई है उसमें कुछ 5 व्यक्तियों के नाम बताए हैं और उनको एक संगठन से लिंक भी किया है। जब ये रिपोर्ट आई तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या मोटिव हो सकता है, परंतु यह बात सही है कि इन 2 मिसिंग एंड प्रोबेबली डिसीज्ड विक्टिम्स में से जो जुनैद है उसके खिलाफ गौ तस्करी के 5 प्रकरण पहले दर्ज हो चुके हैं, एंड संभव है कि उस शक में इन्हें किडनैप किया गया हो, इनके साथ कोई प्रकार की वारदात की गई हो। बट एज आई सेड, वो मैं कन्फर्मेटरी एविडेंस एंड लिंकिंग एविडेंस के आधार पर बताऊंगा तो बेटर रहेगा। जहां तक हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन की बात है तो वो कोऑर्डिनेशन तो हम कल से ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं जैसे ही ये इंसिडेंट पता लगा और आगे बढ़े, एंड हमें सपोर्ट मिल रहा है, एंड मुझे विश्वास है बहुत ही जल्दी वी विल रीच द राइट, जो असली क्रिमिनल्स हैं हम उन तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और इस मामले को कुछ और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने इस पूरे मामले पर जो जानकारियां अब तक अभी उपलब्ध हैं वो सुनी हैं, आपकी क्या इसमें राय बनती? निधि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहला बयान आपने इस्माइल का सुनाया था, जो कि जुनैद के भाई हैं, और जो IG गौरव साहब ने कहा है, दोनों में बहुत बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और IG साहब के बयान से ये कहीं नहीं आता है कि पहले जुनैद और नासिर को थाने ले जाएंगे, क्योंकि गंभीर बात यह कि अगर उनको थाने ले जाया गया था जीवित हालत में और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है तो वो पूरा थाना संलिप्त है इस दुर्घटना में, क्योंकि ये बात कहीं से प्रकाश में सिवाय इसके कि इस्माइल ने इस बात को कहा है, लेकिन प्रकरण में 48 घंटे का जो विलंब हुआ है अक्षम्य है। दूसरी चीज, अपराध का पंजीकृत न होना अक्षम्य है। डेडिकेटेड टीम्स न लगाए जाना उनको ढूंढने के लिए मृतकों को अक्षम्य है। इन 3 त्रुटियों के बाद कम से कम अब इतनी कृपा कर दें कि जो सुराग और पता रसी देगा, माकूल जानकारी देगा, 5-5 लाख का इनाम दिया जाएगा, डेडिकेटेड टीम्स लगाई जाएं, और जो फेसबुक प्रोफाइल जिस तरीके से आ रहा है मोनू और आदि का, कम से कम उनको बुला के पूछताछ कर लें कि आप कहां थे, आपका क्या रोल है, और आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बातें न करके केवल पुलिस के अनुसंधान की बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन इधर उधर की बातें, और कम से कम पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि राजनीति में न पड़ करके केवल इन्वेस्टिगेशन करें और मुलजिम का पता लगाएं, हथियार का पता लगाएं, और किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना घटित हो, एक एक मिनट के चेन को रिकंस्ट्रक्ट करें निधि जी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पहले नहीं हुई है, तुरंत इसको कर ले, वरना ये बदनुमा धब्बा जाने वाला नहीं है बाकी से। बिल्कुल सर, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि लोग अपने हाथ में कानून क्यों ले लेते हैं? अब आरोप प्रत्यारोप कब कोई, हम देखते हैं किस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा है, हेट क्राइम है या गौ तस्करी, गौ रक्षा की तमाम चीजें सामने आ रही हैं जिसकी फिलहाल पुलिस जांच करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपने हाथ में लोग क्यों कानून ले लेते हैं? ये काम पुलिस का है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो ये काम पुलिस का, उन पर छोड़ना चाहिए।
निधि जी, पुलिस अगर अपना काम कर ले तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पे हथियार चमकाना अगर लाइसेंसी हथियार है तो भी गलत है, हथियार जब्त होना चाहिए, लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, और अगर नाजायज है तब तो खैर और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास है उनकी निगरानी, उनकी हिस्ट्री शीट, उनके ऊपर प्रभावी सर्वेलेंस, कहीं कुछ नहीं हुआ। जब कहीं कुछ नहीं होगा तो इसे परिवार में अगर संतान के ऊपर वांछित निगरानी ना हो तो बच्चे उदंड हो जाते हैं। उसी तरीके से दुराचारी अगर उनके ऊपर पुलिस का दबाव सर्वेलेंस नहीं होगा वो भी उदंड और आपराधिक प्रवृत्तियों में, अपराध में संलिप्त होंगे, जिसकी पहली पायदान होती है फेसबुक और सोशल मीडिया में अपने दबंगई के इस तरीके के फोटो और रील को चलाना और पुलिस का कार्रवाई न करना। ये एक मूक सहमति है पुलिस की कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, जो कि आपत्तिजनक है। बिल्कुल, ये बहुत आपने अहम बातें की हैं और इस पर नजर सबकी रहेगी कि क्या निकल कर आता है, लेकिन वाकई में दिल दहला देने वाले मामला है। और जिस तरह से आपने राय दी है कि पुलिस किस तरह से तेजी से इस मामले में बहुत कुछ कर सकती है, जो गुनहगार है उन पर जल्द कब्जा पा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब दिल्ली के मेयर के चुनाव पर बात करते हैं। इस पर आपको बता दें, देरी पर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा, कहा कि देश की राजधानी में यह हो रहा है यह अच्छा नहीं लगता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव जल्द हो, पहली मीटिंग पर नोटिस 24 घंटे में जारी हो चुनाव के लिए। साथ ही ये भी कि दिल्ली में जो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे मनोनीत सदस्य हैं। और इस पर आपको बता दें बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनाते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि जल्द से जल्द दिल्ली में मेयर का चुनाव होना चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी है कि पिछले 3 सिटिंगों से मेयर का चुनाव वो होने नहीं दे रहे थे और मेयर के चुनाव के लिए ही उन्होंने कोर्ट में गए थे ताकि मेयर का चुनाव टल सके। अब चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया है और मेयर का चुनाव का ऑर्डर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हम भी चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द मेयर दिल्ली का चुना जाए ताकि दिल्ली का विकास जो पिछले 2 महीने से रुका हुआ है वो हो सके। और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दखल दिया और मेयर का जो चुनाव होना था उसमें जो फैसला है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में सुनाया और साफ तौर पर कहा है कि मेयर चुनाव हो, डिप्टी मेयर चुनाव हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो, मनोनीत जो पार्षद हैं उनका मतदान का यानी वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं डालेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव मेयर के होने चाहिए और जो नोटिस है चुनाव को की तारीख को लेकर वो 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया जाए। पहले मेयर के चुनाव होंगे, मेयर की अध्यक्षता में अगुवाई में फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि देश की राजधानी में एक मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, हम ये चाहते हैं कि हम कल भी चुनाव की तारीख तय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नोटिस देना होता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने को कहा है। करीब आधे घंटे तक ये सुनवाई चली, आम आदमी पार्टी की ये याचिका थी और उसमें कहा गया था कि जो बार बार एलजी की तरफ से एलजी चुनाव की तारीख तय होती है, मीटिंग में हंगामा होता है क्योंकि वहाँ पर मनोनीत जो सदस्य हैं 10 उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वो असंवैधानिक है, वो गैरकानूनी है। लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी की तरफ से एसजी संजय जैन, उपराज्यपाल की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार ये कह रहे थे कि पहली जो मीटिंग होती है नियम कानूनों के मुताबिक उसमें जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन इस बात को नकार दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि इस तरीके से चुनाव नहीं हो सकते, उनको कोई अधिकार नहीं वोट डालने का, ये प्रावधान साफ है। इसी दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की जो बेंच है उसने साफ कहा कि प्रावधान जो साफ करते हैं
कि मनोनीत पार्षदों को कोई अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा विवाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा था और जिस तरह इस पर हंगामा हो रहा था, उसको एक तरीके से उसको दखल दिया और उसको शांत कर दिया है और आम आदमी पार्टी की इस मामले में जीत हुई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे चलते अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बिल्कुल, और निधि, शुरू से हम इसको जब रिपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ से परे था कि जो पीठासीन अधिकारी बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा है, उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों दिया, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कानून में, संविधान में लिखा हुआ है, इसमें कोई इब्बट की बात ही नहीं थी, उसमें लिखा हुआ है कि एल्डरमैन होते तो हैं लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा हुआ है। साथ ही ये भी तय है कि जो तीन चुनाव होते हैं ये साथ नहीं होते हैं, पहले मेयर का चुनाव होता है और क्योंकि मेयर जो होते हैं वही जो एमसीडी का सदन होता है उसके स्पीकर होते हैं, तो क्योंकि शुरुआत में किसी से चुनाव करवाना होता है तो प्रोटेम स्पीकर होता है, तो जब प्रोटेम स्पीकर मेयर का चुनाव करा देता है तो इसका मतलब स्पीकर चुन लिया गया है, तो जब स्पीकर चुन लिया गया है तो आगे की कार्रवाई वही करेगा। लेकिन रूलिंग दे दी गई सत्या शर्मा की तरफ से कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, जबकि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ और कानून यही कहता है कि मेयर ही बाकी दोनों के चुनाव कराएगा, क्योंकि मेयर को ही ये अधिकार है। एलजी की तरफ से जब सत्या शर्मा को अपॉइंट किया गया था पीठासीन अधिकारी, तब उसमें भी यही लिखा था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एलजी ने जब पहली बैठक बुलाई थी एमसीडी की, उसको नोटिफाई किया था, उसमें भी यही लिखा था कि एल्डरमैन जो हैं, जो मनोनीत पार्षद हैं, वो वोट नहीं कर सकते। तो इसलिए समझ से परे रहा कि ये विवाद बिना मतलब क्यों खड़ा किया गया है और इससे दिल्ली की जनता का समय खराब हुआ है। पिछले 10 महीने से दिल्ली के पास मेयर नहीं है, 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब चुनाव हो चुके हैं लेकिन दिल्ली के पास मेयर नहीं है। लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली को उसकी नई मेयर, एक सिंगल मेयर, अभी तक 3 हो रहे थे पिछले 10 साल से, अब एक सिंगल मेयर महिला मेयर मिल जाएगी। बिल्कुल शरद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बीबीसी पे जो सर्वे हुआ था उस पर आपको बता दें, आयकर विभाग का बयान आ गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि लाभ और आय का काम के पैमाने से मेल नहीं है, कुछ रेमिटेंसेस पर कर अदायगी नहीं हुई है, आईटी विभाग ने कहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ अनियमितताएं हैं और कई अहम सबूतों की आगे जांच होगी, ये भी कहा गया है। तो देश की बात में आगे आपको दिखाएंगे खास खबर, कश्मीरी पंडितों की जिनको मनाने में किस तरह से अब जुटे हुए हैं जम्मू कश्मीर में स्थानीय बीजेपी नेता। देश की बात में बात अब जम्मू कश्मीर से। महाशिवरात्रि का त्यौहार कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार एक तरह से होता है, लेकिन इस साल ज्यादातर ये लोग मायूस हैं। इनमें से कई लोगों को पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आज 90 में मेरे को मेरे पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही कुछ मंजर तब भी होगा जब हम लोग कश्मीर छोड़ के यहाँ आए थे, रहने के लिए घर नहीं थे, रास्तों पे हमने रातें गुजारी। आज 2023 है और मेरे माँ बाप को, जहाँ पे उन्होंने मेरा फ्यूचर इतना अच्छा किया, पढ़ाई इतनी अच्छी दी, और करंट डिस्पेंसेशन में मैं आज फिर इसी सड़क पे आ गया हूँ। खाली अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा हूँ, उसकी एवज में पिछले 8 महीने से मेरा सैलरी रोक दिया गया, मेरे पर सप्रेशन के ऑर्डर डाले गए। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये खाली आप लोगों को, हम तो सोए नहीं है, लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागिए और हमारा कुछ निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद। ये इनका दर्द है, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? छह बज रहे हैं। कश्मीर से पलायन करने के बाद हर महाशिवरात्रि को कश्मीरी पंडितों ने भगवान शिव से अपनी कश्मीर वापसी की दुआ मांगी, पर वो पूरी ही नहीं हो पा रही, उल्टा इस साल इनके हालात और ज्यादा खराब हो चले हैं। हमारी कश्मीरी पंडित की जो सस्टेनेंस की लड़ाई है, घर पर त्योहार मनाने के पैसे भी नहीं है क्योंकि पिछले 8 महीनों से सैलरी मिली ही नहीं। सैलरी का मसला हल करने की कोशिश की है,
जम्मू के बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि वो इस बात को लेकर कई बार जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात कर चुके हैं कि महाशिवरात्रि जो महापर्व है महापर्व उसका ये जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की सैलरी का मसला हल हो। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली के नेताओं के कारण ना उनकी और ना उनके लोकल नेताओं की सुनवाई हो रही है। सर हमारी जेबें तो खाली है शिवरात्रि पे, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते हमारा काम तो हमेशा दान करना है। आज खाली जेबों के बाद भी हम ये आशीर्वाद देते हैं आपको, फलों फूलों और हैप्पी श्री राम। हालांकि जम्मू कश्मीर के प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को कोई गुमराह कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने वापस घाटी जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली उन सब की सैलरी दी जा रही है। यही नहीं, जल्द ही जो नाराज भी हैं वो भी घाटी सुरक्षित से वापस जा पाएंगे। आपके रहने का इंतजाम सुरक्षित हो, आपके बच्चे आपके परिवार सुरक्षित हो, ये हमारी चिंता में सर्वोच्च स्थान रखता है। जो भी आवश्यक होगा इसके लिए किया जाएगा। एक छोटी बात और जोड़ना चाहूंगा, अभी श्रीनगर में एक हाउसिंग कॉलोनी का शिलान्यास मैंने किया था, थोड़े दिनों में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। उसमें जो व्यवस्था है उसमें रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड सीएपीएफ के लोग 50% और 50% आप जैसे लोग उसमें प्लाट ले सकते हैं। मामला सिर्फ वेतन का नहीं है, कश्मीरी पंडितों के भरोसे और कश्मीर की बहाली का है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ये लोग अब भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या इनकी जायज मांगों पर ध्यान देना जरूरी है या नहीं, ये सरकार को तय करना है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के लगाए आरोपों का आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत की लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टी संविधान में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें 50% आरक्षण का रास्ता भी साफ किया जाएगा। रायपुर में 24 फरवरी से होने जा रहे अधिवेशन में ऐसे कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। देश की बात में बात अब हम महाराष्ट्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे खेमे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना विधायक की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़ी बेंच के पास भेजे जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 फरवरी तय की है। अब 21 फरवरी से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे खेमे में जाने वाले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इन विधायकों की बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने राज्य में नई सरकार बनाई थी। बीजेपी भी इस सरकार का हिस्सा है।
उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज अंतिम दिन रहा। मुंबई राजभवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया गया। वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद थे। बाद में भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के लिए निकल गए। अपने कार्यकाल के दौरान भगत सिंह कोश्यारी कई मुद्दों को लेकर विवादों में रहे और विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधता रहा। बाद में उन्होंने खुद ही पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। और देश की बात में आगे बात दिल्ली की, जहां पार्किंग के लिए झगड़े में गोलियां चली, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक विवाद में पिता और बेटे को गोली मार दी गई। पुलिस ने फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस और टेरिटोरियल आर्मी तैनात है। यमुना विहार की इस पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर वीरेंद्र अग्रवाल का अपने पड़ोसी आरिफ से झगड़ा शुरू हुआ। गुरुवार रात को झगड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद आरिफ के किरायेदार फुरकान ने अपने दोस्तों को बुला लिया। फिर रात करीब 1:30 बजे वीरेंद्र अग्रवाल के घर पर ताबड़तोड़ 11 से 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें वीरेंद्र अग्रवाल को 2 गोली और उनके बेटे सचिन को 1 गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जैसे बड़े भाई गए थे शादी में, सारे थे रात को, तो इन्होंने कहा भैया गाड़ी आगे कर ले, हम भी अपनी गाड़ी लगा लें। तो उसने बदतमीजी पे उतर गया अपनी, पूरी गाली बका कर ली। फिर ऊपर से मकान मालिक आया, मकान मालिक भी कहने लगा जी कोई बात नहीं, राजीनामा कर लो, चलो हटाओ। तो उसके बाद 5-10 मिनट बाद वो दोबारा वापसी आता है, तो आते के साथ ही वो, हम दरवाजे पे खड़े थे, उसने आते ही घर के ऊपर फायर कर दी 10-12। अच्छा, और कितने लोग थे वो लोग? जो कम से कम पार्किंग में भी खड़े थे और जो घर पे आए वो 3 आदमी आए थे। 3 आदमी थे। हाँ, और सबके हाथ में रिवॉल्वर पिस्टल सब थी। अच्छा, तो आपने उनको पकड़ा, किस तरीके से पकड़ा? ये सब वो चला रहा था घर के दरवाजे पे, तो मैं पीछे से जाके उसको पकड़ लिया। यमुना विहार का ये इलाका खासा संवेदनशील है, लिहाजा सुबह जैसे ही ये खबर फैली इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स और टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती की गई। माहौल अब शांतिपूर्ण है। यमुना विहार में वीरेंद्र और सचिन अग्रवाल की जो झगड़ा हुआ पार्किंग को लेकर, वो उनके बगल में रहने वाले जो आरिफ हैं उनके किराएदार फुरकान के साथ में हुआ। इसी जगह पर जो है वो वीरेंद्र अग्रवाल अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही फुरकान की गाड़ी लगी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरिफ अब भी फरार है। इस ये जो पूरा अभी वारदात हुई है, इसका रीजन था पार्किंग को लेकर झगड़ा। इसमें कोई प्रकार का कम्युनल एंगल नहीं है, और अभी वहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, और टू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू दी रेजिडेंट्स देयर, एंड अभी वहाँ पे शांति का माहौल है, एंड पुलिस की प्रेजेंस से शांति बनाए रखेंगे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस हमले में कौन लोग शामिल थे और उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने की बात पर गंभीर है। इसमें उम्र की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इससे ऑर्गन की जो राय देखी गई है, मरीजों की राह तो आसान होगी, मगर सवाल ये क्या पूरे देश में ये नीति लागू हो पाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और कुछ राज्यों के इस मामले में अपने नियम है।
29 साल के सोनू दो बच्चों के पिता हैं, अपने माँ पिता का भी इकलौता सहारा हैं। उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, दिल्ली के जीबी पंत में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा लीवर डैमेज है, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह से, तो पूरा डैमेज है। इसमें मैंने पीएम को जी को भी ट्विटर किया था, प्लस केजरीवाल जी को भी ट्विटर किया था, कोई भी सपोर्ट में नहीं, कोई मैसेज नहीं आया कहीं से। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बारे में बताया था कि ट्रांसप्लांट करा लो, बिल्कुल फिट रहोगे। आने वाले वक्त में सोनू जैसे जरूरतमंद मरीजों की राह आसान होने वाली है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑर्गन प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी उम्र के लोग ऑर्गन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। पहले 65 साल के ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे। दूसरा, डोमिसाइल की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। और तीसरा, रजिस्ट्रेशन को लेकर अब कोई फीस नहीं चुकानी होगी। अब तक महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, गुजरात सरीखे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 10 हजार रुपए चुकाने पड़ते थे, मगर चुनौती राज्यों से सहमति बनाने और उसको लागू करवाने की है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर अपनी नीतियां हैं। जानकार मानते हैं कि राज्यों से सहमति बनाई जा सकती है। तीन चीज ऑर्गन डोनेशन में बहुत क्रिटिकल है। पहला, सेंट्रल रजिस्ट्री, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रजिस्ट्री होना चाहिए। दूसरा, हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी, क्योंकि अगर ऑर्गन मिल भी जाता है और वहां वो सुविधा नहीं है उस अस्पताल में, तो फायदा क्या है। हार्वेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट करना। तीसरा, मेरे विचार से इसको भी एक अभियान के रूप में कुछ फाइनेंशियल बैकिंग के साथ राज्य सरकार को, एक केंद्र सरकार को सॉरी, एक कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में चलाना चाहिए। साल 2013 में कुल 4,990 ऑर्गन डोनेशन हुए, जो साल 2022 में बढ़कर 15,561 जा पहुंचे। अब सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के स्कूल के कैरिकुलम में एक पाठ भी तैयार किया है। लोगों को लेकर सरकार की चिंता तो है, पर चुनौतियां भी कम नहीं। राज्यों के बीच सहमति बनाने से लेकर लोगों को अंगदान के लिए आगे लाने तक लोग प्रेज भी करें और ये सरकार के रिकॉर्ड में भी रहे। सोच स्वस्थ भारत का है, पर साकार हमारे आपके जरिए ही मुमकिन है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।